भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी की सरकार तमाम तरह की साजिशें रच रही है, लेकिन यात्रा को लेकर लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। उल्टा जितनी कोशिश बीजेपी यात्रा को रोकने में लगा रही है, राहुल गांधी का समर्थन उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। अब यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है, तो क्या है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगे का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय पूरे देश के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। यात्रा को लेकर बीजेपी का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, पूरा इंडिया यात्रा के साथ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कर दिया है कि बीजेपी डरी हुई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 25 जनवरी तक असम में रहेगी, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। और राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी यात्रा का हिस्सा बनेंगी, उन्हें जरूर आना भी चाहिए। राहुल ने कहा कि जल्द ही इंडिया में सीटों के बंटवारे का काम पूरा हो जाएगा। इस बीच बिहार में भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तैयारियां हो चुकी है। 29 जनवरी को यात्रा बंगाल के सिलीगुड़ी से बिहार के किशनगंज में प्रवेश करेगी। ये 31 जनवरी तक बिहार में रहेगी, इसके बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी। लेकिन इन 3 दिनों में बिहार के 4 जिलों को न्याय यात्रा कवर करेगी। बिहार कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि यात्रा किशनगंज से पूर्णिया की ओर रवाना होगी। पूर्णिया में एक बड़ी रैली होगी। रैली में गठबंधन के सहयोगियों को भी नेता भेजा गया है। नीतीश कुमार लालू यादव की ओर से इसमें शामिल होने की सहमति भी मिल गई है। नीतीश कुमार अगर किसी कारण से नहीं आएंगे तो अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। इसके अलावा गठबंधन सहयोगियों जैसे सीपीआई और सीपीआईएम के राज्य नेताओं के अलावा सीपीआईएमएलए के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को भी आमंत्रित किया गया है और वे यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए सहमत हुए हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।